सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। मैं हूं आपका फ्रेंड कल्याण। स्वागत है आपके अपने चैनल फिनटेक सील्ड पर। तो आज के जो ये वीडियो होने वाला है वो होगा एंड्रॉयड पर। तो एंड्रॉयड में अगर आप डेवलपर मोड को ऑन करना चाहते हो, यूएसबी डीबगिंग मोड को ऑन करना चाहते हो, पर आपको नहीं पता कि ये कैसे करना है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपको यूएसबी डीबगिंग मोड, एंड्रॉयड डेवलपर मोड, इन दोनों को ऑन और ऑफ करना मैं आपको बताऊंगा, प्लस इससे जुड़ी जो जो सावधानियां हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो की एंड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो डेवलपर मोड ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में। तो मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, उसके बाद आपको जाना है अबाउट फोन में। उसके बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, किसी किसी डिवाइस में क्या होता है, ये जो एंड्रॉयड वर्जन लिखा हुआ है यहाँ पर, इसे 7 बार क्लिक करने पर यहाँ से हो जाता है। और किसी किसी डिवाइस में, जैसे मेरे इस डिवाइस में है, ये जो वर्जन लिखा हुआ है ऊपर में, जिसके नीचे लिखा हुआ है बेस बैंड एंड कर्नल, तो इसे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो बिल्ड नंबर ऊपर में लिखा हुआ है, इसे आपको 7 बार क्लिक करना है। तो ये आप देख लेना, अगर आपका यहाँ पर से एंड्रॉयड वर्जन पर 7 बार क्लिक करने से हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आपको अगर यहाँ वर्जन लिखा हुआ है जहाँ पर, उसे आपको क्लिक करना है। उसके बाद इसके अंदर आपको ये जो बिल्ड नंबर ऊपर में लिखा हुआ है, इसे 7 बार क्लिक करना होगा। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। फिर आपको यहाँ पर जाना है एडिशनल सेटिंग्स में। तो यहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि किसी किसी डिवाइस में जो डेवलपर मोड का ऑप्शन होता है वो बाहर में ही सेटिंग्स में ही दिख जाता है, और किसी किसी में एडिशनल सेटिंग्स या इस तरह के जो कोई सेटिंग्स होते हैं उसके अंदर होता है। तो यहाँ मैं एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आ चुका हूँ। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डेवलपर ऑप्शंस, इसे आपको क्लिक करना है। तो देखिए डेवलपर ऑप्शंस जो है ऑन हो चुका है। इसके बाद अब आपको देखना है यूएसबी डीबगिंग कैसे ऑन करना है। तो इसके लिए आप डेवलपर ऑप्शंस में आप देख लो, अलग अलग तरह के यहाँ पर सेटिंग्स दिए हुए हैं। तो इसके नीचे आपको चलते जाना है, यहाँ पर आप देखोगे यूएसबी डीबगिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसे आपको ऑन कर देना है, अलाउ कर दीजिए। तो ये हो गया आपका एंड्रॉयड डेवलपर मोड और यूएसबी डीबगिंग मोड को ऑन करने का प्रोसेस। तो यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी और दे देना चाहता हूँ, जो पुराने वर्जन्स होते थे एंड्रॉयड के, जैसे कि जिंजर ब्रेड या हनीकॉम, जो काफ़ी पुराने वर्जन्स हुआ करते थे, उसमें क्या था कि अगर आप एक बार डेवलपर मोड को ऑन कर दो तो उसे फिर ऑफ़ करने का ऑप्शन उसमें नहीं था। बट आप जो लेटेस्ट जितने भी अब वर्जन आते हैं उस सब में आप डेवलपर मोड को ऑन और ऑफ़ दोनों कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ सेटिंग्स और बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप एक फीचर देख रहे हो OEM अनलॉक, तो इसका मेन यूज़ क्या होता है, ये आपके बूट लोडर को, जो आपके एंड्रॉयड का बूट लोडर है उसे अनलॉक कर देता है। इसका मेन यूज़ कब होता है, जब आप एंड्रॉयड को अपने रूट करना चाहते हो। इसी तरह से यहाँ पर बाकी सारे बहुत सारे इसमें अलग अलग तरह के ऑप्शंस और फीचर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। बट यहाँ मैं आप लोगों को एक सावधानी बरतने के लिए कहूँगा कि आपका जब यहाँ पर काम हो जाए एंड्रॉयड के डेवलपर ऑप्शंस में और USB डीबगिंग मोड में, तो आप उसे फिर ऑफ़ कर दे। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखना कि यहाँ बहुत सारे सेटिंग्स दिए हुए हैं, तो आपको जिस भी सेटिंग की नॉलेज ना हो उसके साथ आप छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप सेटिंग्स के साथ छेड़छाड़ करोगे, अगर आपने किसी गलत सेटिंग के साथ छेड़छाड़ कर दिया तो ये आपकी डिवाइस को डैमेज भी कर सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये था डेवलपर मोड और USB डीबगिंग मोड को ऑन और ऑफ करने का प्रोसेस। तो आपने देख लिया, यहाँ से USB डीबगिंग मोड ऑन और ऑफ होता है, और यहाँ से डेवलपर मोड ऑन और ऑफ़ होता है। तो जैसे ही आपका काम हो जाए आप इसे वापस ऑफ़ कर दो और यहाँ से एग्ज़िट कर जाओ। तो जैसे मैंने एग्ज़िट किया, आप देखोगे डेवलपर मोड का ऑप्शन भी जो था वो यहाँ से गायब हो चुका है। तो आते हैं अब आज की क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन था, हु इज़ द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसका सही आंसर है जॉन मैकार्थी। तो ये थी आज की वीडियो। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें फिनटेक सील्ड को, और मिलता हूँ अब आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे सेफ।